हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे अप्रोचेस टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। टोटल देयर आर 7 अप्रोचेस, जिनमें से 4 हम आज के वीडियो में कवर करेंगे और बाकी 3 नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। अप्रोचेस टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट अप्रोच इज फैक्टराइजेशन। नाम से समझ में आ रहा है क्या करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके, एंड रिमेंबर दैट द आंसर विल बी जनरल सॉल्यूशन। क्या आंसर आ रहा है भाई? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। ये जो साइन स्क्वायर एक्स है इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को फैक्टराइज करके 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब यहां पर 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को कैंसिल कर सकते हैं, मेकिंग श्योर दैट इट इज नॉट जीरो, बट वो जीरो तो हो ही सकता है। तो एक पॉसिबिलिटी बनेगी 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो। अगर कैंसिल आउट नहीं करना है तो पूरी क्वांटिटी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाइए, 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन निकल जाएगा, बात तो एक ही है। सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विल बी दिस, तो कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1, वो जो स्पेशल केस बताया था ना उसके हिसाब से ये आंसर आ गया। एन यहां पर ऑब्वियसली इंटीजर है। देन वी विल बी लेफ्ट विथ माइनस कॉस एक्स दोनों तरफ कट जाएगा, तो साइन एक्स की वैल्यू यहां पर आ गई 1/2, तो अल्फा यहां से हमारे पास आ गया पाई बाय 6। माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में लेना है अपने वो अल्फा, तो एक्स की जनरल वैल्यू आ जाएगी एन पाई प्लस माइनस 1 होल रेज टू पावर एन इंटू अल्फा। अल्फा कितना है? पाई बाय 6। क्लियर विद दिस? ये हो गया फैक्टराइजेशन से। एक और क्वेश्चन करते हैं, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए भाई, कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं इसके? 4। 0 से 2 पाई के इंटरवल में हमको फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली फाइनाइट आंसर आएंगे। जिन लोगों के 4 आंसर्स आ गए हैं सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हो। ये जो शुरू के 2 टर्म्स हैं इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है? 2 cos थीटा। इन दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? -√3। तो ये 2 फैक्टर्स आ गए। अब यहां पर जब ऐसा इंटरवल दे रखा है तो हमें जनरल सॉल्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली ऑब्जर्व करेंगे कि कितने सॉल्यूशंस हैं। एक बार ये 0 होगा तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, साइन थीटा की वैल्यू 1/2 0 से 2 पाई में 2 बार होती है, एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में। कई बार ऐसा होगा कि ये वैल्यूज गंदी होगी, जो हमें ये भी नहीं पता होगा कि किस एंगल के करस्पॉन्डिंग है। यहां पर तो चलो हमें पता है कि 30 डिग्री और 150 डिग्री है, बट कई बार ऐसा होगा, लेट्स से कि यहां पर अगर साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आती, तो हमें नहीं पता है कि कौन से एंगल के करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू 1/3 है, बट हमें यह पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/3 2 बार होगा 0 से 2 पाई में। तो यहां से 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे और यहां से भी 2 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। जब भी इस प्रकार की लैंग्वेज लिखी हुई आती है ना कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं, तो कई बार ऐसा होगा कि हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है वो फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमें ये पता चल जाएगा कि कितने सॉल्यूशंस हैं। हम ऐसे क्वेश्चंस में भी डील करेंगे आगे जाके। सेकंड अप्रोच इज बाय रिड्यूसिंग इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? यहाँ पर ये n जो है ना वो इंटीजर है, ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। जिन लोगों का ये आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई। साइन स्क्वायर को मैं कॉस स्क्वायर के टर्म्स में लिख दूंगा, देन इट विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कॉस। तो 4 को पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर को मैंने अब ये कॉस में क्वाड्रेटिक बन गई। या तो आप फॉर्मूला लगाओ या डायरेक्टली फैक्टराइज करो, फैक्टराइजेशन भी सिंपल होगा इस केस में।
तो यहां से देखो कॉस की दो वैल्यू आ रही है, एक तो 1/2 और एक है -3/2। क्या कॉस कभी भी -3/2 हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉस की रेंज क्या है? -1 से 1 क्लोज्ड ब्रैकेट। सो द ओनली एक्सेप्टेबल वैल्यू विल बी कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। और 0 से π के बीच में कौन सा एंगल ऐसा है जिसको हम अल्फा कंसिडर करें जिसके करस्पॉन्डिंग कॉस की वैल्यू 1/2 आती है? π/3, 60 डिग्री। तो यहां से इसका जनरल सॉल्यूशन हमें पता है क्या होता है, 2nπ ± α। ये आ गया हमारा आंसर। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं। 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई? इन केस यू आर कंफ्यूज्ड कि ये इनवर्स क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये 1/10 होता है? ये नहीं होता है, इट्स अ इनवर्स फंक्शन। ये हम 12th में पढ़ेंगे डिटेल में, फंक्शंस चैप्टर के अंतर्गत। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर ये किस तरीके से आंसर को एक्सप्रेस किया जाता है आई विल एक्सप्लेन यू। इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर दैट विल बिकम 10 स्क्वायर। 7 sin x cos x को अगर मैं cos स्क्वायर से डिवाइड करूं तो एक cos कैंसिल हो जाएगा, sin बाय cos दैट विल बिकम 10। 16 cos square बाय cos square दैट विल बिकम 16। 4 divided by cos square दैट विल बिकम 4 sec square x। और sec square में और 10 square में हमें रिलेशन पता है, sec square x is equals to 1 + 10 square x। तो ये बन गई 10x में quadratic equation। This expression is easily factorizable. एक वैल्यू आ रही है 3 और दूसरी वैल्यू आ रही है 4। अब देखो 10x equal to 3 है, हमें ये तो नहीं पता कि कौन सा वो स्टैंडर्ड एंगल है जिसके करस्पॉन्डिंग 10 की वैल्यू 3 होगी, है ना। रूट 3 होता तो हमें पता है कि भाई 60 डिग्री होती है, 3 के करस्पॉन्डिंग नहीं पता है। जैसे हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन में करते ना, दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये 10 को मैं इस साइड लेके जाऊंगा एंड देन दिस थिंग इज रिटन एज 10 inverse 3। अभी फिलहाल मोटे मोटे तौर पर आप सिर्फ इतनी बात को ध्यान रखिए, अपने आप में इनवर्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, इनवर्स आता कहाँ से है, बहुत अमेजिंग चैप्टर है ये भी, बाद में पढ़ेंगे जब उसका टाइम आएगा। उसी तरीके से यहां पर x इक्वल टू 10 inverse 4 आ जाएगा। और एक बार हमें ये पता चल गया कि कौन सा एक एंगल है -π/2 से π/2 के बीच में वो अल्फा, तो 10 का जनरल एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है, दैट इज nπ + α। क्लियर टिल हियर? आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट की तरफ। अब देखो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और अलग अलग तरीकों से जो आंसर की शक्ल है वो कंप्लीटली डिफरेंट हो सकती है। दे विल बी द सेम थिंग इवेंचुअली, बट देखने में ऐसा लगेगा कि दे आर कंप्लीटली डिफरेंट। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि जिस तरीके से मैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व करूं, हो सकता है कि आपने किसी और तरीके से सॉल्व किया हो और आंसर की शक्ल एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट हो। तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं उस केस में। एक बहुत ही अच्छा इलस्ट्रेशन लेकर मैं आप लोगों को बताता हूं। पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए अपने तरीके से, 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई मैं इसका आंसर नहीं लिखूंगा, हम इसको दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करेंगे और दोनों से जो आंसर की शक्ल होगी वो एकदम अलग, मतलब किसी एंगल से लगेगा ही नहीं कि सेम क्वेश्चन के आंसर हैं। एंड देन आई विल ऑल्सो प्रूव इट कि यस दे आर सेम थिंग, विच यू डोंट हैव टू डू एवरी टाइम। चलिए तो पहले एक मेथड से सॉल्व करते हैं। ये साइन 2x है, इसको मैंने लिख दिया कॉस 3x का फॉर्मूला। तो एक तो कॉस कॉमन निकाल के इक्वल टू 0 कर दिया, सो कॉस एक्स इक्वल टू 0, ये एक पॉसिबिलिटी बनी। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2nπ ± π/2, n यहां पर इंटीजर है ऑब्वियसली। और फिर क्या एक्सप्रेशन बच गया हमारे पास? अब मैं कॉस को साइन में कन्वर्ट करके साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा,
अब ये डायरेक्टली फैक्टराइजेबल नहीं होगी, क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला लगाएंगे, साइन एक्स की वैल्यू दीज आर द सेमी स्टैंडर्ड एंगल्स, ये वैल्यू होती है साइन 18 डिग्री की और ये वैल्यू होगी माइनस 54 डिग्री, साइन माइनस 54 डिग्री। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यूज आ गई जनरल सॉल्यूशन, और इसकी वजह से n पाई माइनस 54 डिग्री मतलब माइनस 3 पाई बाय 10। तो ये तीन सॉल्यूशन मिले, एक तो ये वाला और दो ये वाले, ये हमें मिले एक मेथड से। अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। अब ये देखो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, इसको अल्फा की तरह ट्रीट करो, इसको एक्स की तरह ट्रीट करो। तो हमें पता है कि साइन का जनरल फॉर्मूला क्या है, एन पाई प्लस माइनस वन रेज़ टू पावर एन इंटू अल्फा। अब यहां पर हम दो पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, एक बार एन को इवन लेंगे, एक बार एन को ऑड लेंगे। एन अगर इवन है, लेट्स से एन को मैंने ले लिया 2k, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज, तो ये 3x इस साइड गया तो इधर बन गया राइट हैंड साइड पे 5x, x की वैल्यू आ गई 2k पाई बाय 5 प्लस पाई बाय 10। और दूसरी बार n को मैं लेता हूं ऑड, n को लेट से मैंने ले लिया 2k प्लस 1, तो ये जो दूसरे मेथड से हमने सॉल्व किया, हमारे पास जो दो आंसर आए हैं वो आया है ये और ये। और जो पहले मेथड से हमने सॉल्व किया था तब हमारे पास आंसर क्या आया था, ये और ये दो। आई एम श्योर कि देख के आपको ऐसा लगेगा कि ऑल दीज आर डिफरेंट, बट थिंक लॉजिकली कि क्या सेम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और दोनों मेथड बिल्कुल एकदम लीगली करेक्ट है, हर चीज हमने मैथमेटिकली प्रॉपरली सॉल्व करी है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है नहीं, तो ये अलग अलग तो हो नहीं सकते। ये अलग बात है कि एक्सप्रेशन की शक्ल कंप्लीटली डिफरेंट है, एज आई सेड कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। यहां पर ये जो हमारा आंसर आया है, देखिए k एक इंटीजर है, इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, यहां पर n भी एक इंटीजर है, बस यहां पर प्लस माइनस है, तो ये प्लस वाले को अभी भूल जाओ, इसको भी हम प्रूव करेंगे। ये जो माइनस वाला है 2n पाई माइनस पाई बाय 2 एंड दिस, दे आर वन इन द सेम थिंग। जो चीज यहां पर k इक्वल टू 5 पे मिलेगी वही चीज वहां पर n इक्वल टू माइनस 5 पे मिलेगी, तो इस वाले में हमने माइनस वाले को हैंडल कर लिया, बचेगा अभी प्लस वाला। एक है प्लस वाला और यहां पर ये कितने हैं, ये टोटल चार हैं। चार कैसे, यहां पर n को एक बार इवन लो, n को ऑड लो, यहां पर n को इवन लो और फिर n को ऑड लो, तो चार इधर और एक ये प्लस वाली पॉसिबिलिटी अभी हमारी बची हुई है। और हमने जो दूसरे तरीके से सॉल्व किया है क्वेश्चन को, वो हमें ये एक आंसर मिला है, एक ये तो हमने कोरिलेट कर लिया ऑलरेडी। यहां पर अब मैं आप लोगों को बताता हूं क्या करो, k को एक बार 5n, एक बार 5n प्लस 1, एक बार 5n प्लस 2, 5n प्लस 3 एंड 5n प्लस 4, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। भाई k एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है, ये k की पांचों वैल्यूज जब आप इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये वाले जो चार आंसर्स हैं और ये वाला जो एक इधर पांच बचा हुआ था, दे विल एग्जैक्टली कम इन द सेम फॉर्मेट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द होल पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस नौटंकी इज टू एक्सप्लेन यू
कि हो सकता है कि भाई अगर आपने कहीं पर कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया, तो जो आप आंसर देख रहे हो उससे शक्ल उसकी कंप्लीटली डिफरेंट दिखाई दे। बट अब ये कैसे पता चलेगा कि सर हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को, अपनी मैथमेटिकल स्टेप्स को यू हैव टू वेरीफाई इट प्रॉपरली। सबसे अच्छे जो क्वेश्चंस होते हैं वो ये होते हैं इस टाइप के, इसको तुम किसी भी तरीके से सॉल्व करो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो यही आएंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे यूजुअली जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इसी तरीके से पूछे जाते हैं, ताकि किसी का कोई सा भी मेथड हो इवेंचुअली आंसर तो सेम ही आए। क्लियर एवरीथिंग टिल हियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच पर, ट्रांसफॉर्मिंग सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये सब फॉर्मूले याद है ना? चलिए भाई याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई अब मैं डायरेक्टली सॉल्व ही करता हूँ। एज आई सेड कि आंसर थोड़ा सा कई बार जो है ना अलग अलग मेथड पे डिपेंड कर जाता है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 sin c minus d by 2 2x minus 4x is minus 2x divided by 2 that will become this into cos c plus d by 2, so this is this, दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? cos 3x, इधर क्या बच रहा है? इधर 1, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस 2 sin x। कॉस 3x को इक्वल टू 0 किया तो 3x इक्वल टू 2n π plus minus π/2। जनरल वैल्यू पहले लिखोगे उसके बाद ये डिवाइड और मल्टीप्लाई जो भी एंगल के साथ रहेगा तब डिवाइड बाय 3 कर दो। यहां से साइन एक्स इक्वल टू 1/2 तो x की वैल्यू आ गई। क्लियर? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अप्रोच की तरफ, बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। अगेन इसके भी अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर आ सकते हैं। देखिए जिस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, पहले तो इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 sin 5x into cos 3x, 2 sin a cos b will be sin a plus b plus sin a minus b। यहां पर फिर से वही चीज, तो 6x plus 2x that will be 8x, sin 8x से sin 8x cancel हो गया। अब sin 2x equal to sin 4x, इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक जैसा अभी अपन ने इलस्ट्रेशन लिया था ना कि भाई इसको तुम x मान लो, इसको अल्फा मान लो, और उस तरीके से या तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसको हाफ एंगल में ब्रेक किया, sin 4x will become 2 sin 2x, cos 2x, है ना? आप भावनाओं को समझ रहे हैं ना कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं। यहां से एक पॉसिबिलिटी क्या बनी, sin 2x equal to 0, 2x equal to n pi, x equal to n pi by 2 हो जाएगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, cos 2x equal to 1/2, जब हमने sin 2x को हटा दिया तो यहां से 2x equals to 2n pi प्लस माइनस पाई बाय 3 आ गया। 2 से डिवाइड कर दो तो एक पॉसिबिलिटी हो गई एन पाई बाय 2 और इधर से हो गया एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। दिस इज वन वे, और यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट लाइक साइन 2x इक्वल टू साइन 4x, 2x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस होल रेस टू पावर एन इंटू 4x। 2 केसेस बनाने पड़ेंगे, एक बार एन को ऑड लो, एक बार एन को इवन लो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।